इगलास में राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी की संयुक्त सभा है, जिसको राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। इस जनसभा को मथुरा से राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जत्था संयुक्त रैली में शामिल होने के लिए रवाना हुआ है। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलेगी और जनता यह साबित करने जा रही है। रालोद नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल के नेतृत्व में इगलास की रैली में रवाना होते समय रालोद कार्यकर्ताओं ने जो कहा वह भी सुनिए। चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दलों ने भी अपनी रैली और सभाओं का दौर शुरू कर दिया है। इगलास में आज राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी की संयुक्त सभा है, यानी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मथुरा से भी आरएलडी के कार्यकर्ताओं का एक जत्था इगलास यहां से रवाना कर रहा है, उस सभा में भाग लेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक अग्रवाल, रमेंद्र नरवार जिलाध्यक्ष है, संजू चौधरी और तमाम यहाँ नेता यहाँ दिख रहे हैं। ये आरएलडी के ये मथुरा से अभी यहाँ इगलास के लिए रवाना हो रहे हैं आरएलडी और समाजवादी की संयुक्त गठबंधन की सभा में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं। 2022 को लेकर दौर शुरू हो गया है, गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, आरएलडी कितनी मजबूत होगी 22 में? देखिए, आज का जो दिन है, पहली बात तो हम इसको किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज परम श्रद्धे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका आज जन्मदिन है और इसके अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया है इगलास में, जो जनता जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मीटिंग में आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय चौधरी जयंत सिंह जी आज उपस्थित रहेंगे और इस अवसर पर पूरे मथुरा से, आगरा से, अलीगढ़ से, हाथरस से लाखों लोगों के जनसैलाब को वहाँ पर आने की उम्मीद है। लोगों में बहुत जोश है क्योंकि इस सरकार के प्रति लोगों के मन में बहुत निराशा है। इस ये सरकार 15 लाख रुपए देने का वायदा करके, महंगाई का को कम करने का वायदा करके और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वायदे के साथ आई थी, लेकिन सब जनता जानती है इन्होंने किया क्या। आज कमर तोड़ महंगाई है, बेइंतहा आज बेरोजगारी है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब आप समझते हो क्या होता है, लोगों की सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और व्यापारी अडानी अंबानी जैसे लोगों का पूरे देश पर राज होगा। किसान की रैली में आप जा रहे हैं, क्या संदेश ये रैली देने जा रही है पश्चिमी, खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? ये परिवर्तन रैली भी है, ये 2022 का संदेश दे के जाएगी और निश्चित रूप से इस रैली को देखकर आज मोदी जी और योगी जी बिल्कुल परेशान होंगे क्योंकि बहुत सारे साधन लगाने के बावजूद भी उतनी भीड़ उनकी मीटिंग में रैलियों में नहीं जुड़ रही है जितनी हमारे दोनों नेताओं की रैलियों में जुड़ रही है। जनता हर हाल में इस शासन को बदलना चाहती है और निश्चित रूप से 2022 में आपको सबको हम सबको बदलाव देखने मथुरा से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों अलग अलग पार्टी अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के बिल्कुल इकट्ठे कर जाएंगी। खाली मथुरा अगर विधानसभा की यदि आप बात कर रहे हैं तो मथुरा वृंदावन विधानसभा से भी लगभग 2500 लोग इस सभा में उपस्थित होंगे। टोटल हम लोगों का टारगेट मथुरा जिले से जो है वो 10,000 लोगों का है। 10,000 लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 12 ही पहुंचेंगे, आप चिंता ना करो। अच्छा, ओह नगराज जी क्या कुछ कहेंगे इस रैली को लेकर, इगलास में आरएलडी और उसकी सपा की संयुक्त रैली है? निश्चित तौर पर बहुत बड़ा उत्साह है पार्टी कार्यकर्ताओं में, समाजवादियों में, लोकदल के कार्यकर्ताओं में। निश्चित तौर पर हम आज स्वर्गीय चौधरी साहब की 116वीं जयंती मना रहे हैं, जिसको हम पूरा देश किसान दिवस के रूप में मनाने का कार्य करता है। आज शुरुआत में हमने हवन यज्ञ किया और निश्चित तौर पर ये परिवर्तन रैली इस प्रत्येक इस सूबे के अंदर परिवर्तन लाने जा रही है, ये आप निकट भविष्य में देखेंगे। ये किसान विरोधी सरकार है, ये व्यापारी विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। युवाओं का रोजगार खा गई, व्यापारियों का व्यापार खा गई, किसानों की खेती खाने का काम कर रही है। निजीकरण का बहुत बड़ा जो ये चल रहा है घोटाला, आप इसको साफ तौर पर समझ लीजिए कि जिस अडानी अंबानी जो माल्या जैसे लोग जिन बैंकों को का घोटाला करके भाग गए, आज दुर्भाग्य ये है कि वे उन्हीं बैंकों को खरीदने जा रहे हैं। निजीकरण बड़े व्यापक तौर पर है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनजीवन का जो शोषण इस सरकार में हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनजीवन जाग चुका है, ये परिवर्तन होने जा रहा है। 2022 में समाजवादियों की और किसानों की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर महिला जिलाध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगी आरएलडी की सभा में आप जा रही हैं?
जी ये तो 2022 को ही पता चलेगा। फिलहाल में तो हम रैली करने दो और देखने दो, ये जनता अपने आप ही झुक जाएगी, क्योंकि किसानों को बहुत बेवकूफ बना लिया और बहुत वो कर दिया। योगी जी मोदी जी आज स्वयं खुद देख लेंगे इसको। भीड़ अच्छी जाएगी मथुरा से, बहुत ज्यादा, बहुत ताकत में। आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता इगलास में संयुक्त रैली जो गठबंधन की है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की, उसमें यहाँ से निकल रहे हैं, ये जत्था पूरा यहाँ से निकलेगा। इनका कहना है कि यहाँ से करीब 10,000 लोगों के पूरे उससे जाने की संभावना ने जताई है, क्योंकि इगलास में दोनों की संयुक्त रैली है गठबंधन की, तो इसे लेकर एक इस रैली को भी बड़ा अहम माना जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिसाब से, क्योंकि संयुक्त रैली में गठबंधन की रैली तो ये कई मायने में ये आप अलग संदेश देगी। अब देखना होगा कि ये रैली कितनी सफल हो पाती है। बहरहाल राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इगलास की रैली में मथुरा से भी शरीक होने जा रहे हैं। नियोजक कमर पर्सन राय सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।